Hello everyone. I hope everyone is better. अब हम अपने लेसन का आगाज शुरू कर रहे हैं. मंदरजा झील जुमले जो हैं उनकी उनको किस तरह इंग्लिश में बोलेंगे एंड हाउ टू यूज़ आईएनजी इन इंग्लिश ग्रामर. अंग्रेज़ी में किस तरह आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है. जैसे कि आपको पता है कि हर जुमले का हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको बताते हैं. अब ये जुमला है, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं. अब इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद HV हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ING आएगी, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा. अब जैसे आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग, डू का डूइंग, डू के साथ ING फॉर्म हम लगा दी, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स अलॉट. अब यहाँ पर गलत काम तो रॉन्ग थिंग्स, डूइंग रॉन्ग थिंग कर रहे हैं, रॉन्ग थिंग्स गलत काम, अलॉट बहुत, अलॉट का मतलब बहुत होता है, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स अलॉट. वो ऐसे बकवास नहीं कर रहा है, ही इज नॉट. अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही इज हेल्पिंग वर्ब, और जब हम नेगेटिव में कोई जुमला होता है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर टेकिंग ING फॉर्म, बेस वर्ब प्लस ING फॉर्म, टेकिंग नॉनसेंस बकवास, टेकिंग टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दैट, ही इज नॉट टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दैट. वो ऐसी बकवास नहीं कर रहा है. मैं इसे कह रहा हूँ कि ऐसा न करे, मैं इसे कह रहा हूँ कि ऐसा न करे. आई एम सब्जेक्ट में, आई एम आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब, आई एम टेलिंग कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग हिम उसे के नॉट टू डू सो ऐसा न करे, के ऐसा न करे. आई एम टेलिंग हिम मैं उसे कह रहा हूँ, नॉट टू डू सो कि ऐसा न करे. नेक्स्ट, क्या वो मेरी बातों का बुरा मना रहे हैं. इस ही, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, टेक क्वेश्चन है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इज ही बाद में सब्जेक्ट आएगा, इज ही टेकिंग ऑफेंस बुरा मनाना, टेकिंग ऑफेंस का मतलब है टेक ऑफेंस, बुरा मनाना, फ्रेजल वर्ब है ये. इज ही टेकिंग ऑफेंस टू माय वर्ड्स, क्या वो मेरी बातों का बुरा मना रहा है. इज ही इज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, टेक वर्ब के साथ ING लग गई तो टेकिंग ऑफेंस ये फ्रेजल वर्ब, टू माय वर्ड्स मेरी बातों का, कॉम्प्लीमेंट. वो मुझे अपना समझते हैं इसीलिए मेरी बातें सुन रहे हैं. दे कंसीडर मी एज दियर ओन, वो मुझे अपना समझ रहे हैं, समझते हैं. दे कंसीडर मी एज दियर ओन इसलिए मेरी बातें सुन रहे हैं. सो दे आर लिसनिंग टू माई वर्ड्स. अब यहाँ पर दे
वो मुझे अपना समझते हैं। तो ये प्रेजेंट का जुमला है, वो मुझे अपना समझते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला। तो दे कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी मुझे, एज दियर ओन, तो मुझे अपना समझ। सो दे आर लिसनिंग टू माई वर्ड्स, इसीलिए वो मेरी बातें सुन रहे हैं। तो दे सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद सो के बाद आर हेल्पिंग वर्ब, लिसनिंग ing फॉर्म टू माई वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये समझ में आया होगा। इससे मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैंने PDF फाइल की लिंक इंक्लूड किया हुआ है वीडियो के साथ। आप PDF फाइल का लिंक डाउनलोड कीजिएगा और बाकी 50 जुमले जो हैं वो प्रैक्टिस में होंगे, तो वो आपके लिए बेहतर खुद बंद होंगे। गॉड ब्लेस यू।